नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। स्कूल जाते समय छात्र हुआ लापता, परिजनों ने जताई अपहरण की आशंका। आजमगढ़ जिले के कंधरापुर थाना क्षेत्र के मुजफ्फरपुर मोर्चा गांव का 15 वर्षीय छात्र 7 जुलाई की सुबह 8 बजे के करीब अपने घर से स्कूल के लिए निकला था कि अचानक रास्ते में गंगटिया व किशनदासपुर के बीच से लापता हो गया। यह आरोप लगाते हुए लापता छात्र के परिजनों ने बताया कि गुड्डू यादव का 15 वर्षीय पुत्र निखिल यादव प्रतिदिन की तरह 7 जुलाई को सुबह 8 बजे के करीब अपने घर से दो छोटे बच्चों के साथ गंगटिया स्थित जनता इंटर कॉलेज में पढ़ने के लिए निकला था, किंतु स्कूल से कुछ दूर पहले ही बच्चों से कॉपी खरीदने को कहकर साथ छोड़ दिया। जब छुट्टी के बाद निखिल यादव स्कूल से घर वापस नहीं लौटा तो परिजनों ने उसकी खोजबीन शुरू कर दी। काफी खोजबीन के बाद भी जब निखिल का कहीं कुछ पता नहीं चला तो परिजनों ने इसकी सूचना कंधरापुर पुलिस को दे दी। पुलिस मामले को संज्ञान में लेते हुए कार्यवाही में जुट गई है। वहीं लापता लड़के की मां ने कहा कि किसी भी सज्जन को हमारे लड़के निखिल यादव पुत्र गुड्डू यादव उम्र 15 वर्ष के बारे में कुछ पता चले तो कृपया सूचित करने का काम करें। न्यूज 9 भारत के लिए रोशन लाल के साथ शिखा रावत की खास रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? आजाद यादव। कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम पोस्ट मुजफ्फरपुर का रहने वाले। थाना कौन सा है? कंधरापुर। आप जो लड़का गायब हुआ है, हो गया है, उसके क्या लगते हैं? हम उसके मतलब गांव के हैं, उसके भाई भी लगते हैं। कैसे, क्या घटना हुई है? जैसे हम लड़का आठ बजे स्कूल से गया, वो मतलब गंगटिया में पढ़ता है, जनता जूनियर हाई स्कूल इंटर कॉलेज में वो लड़का पढ़ता है, यानी गंगटिया से किशनदासपुर रोड पे, मतलब वहाँ से लड़का गायब, किताब लेने गया, वहाँ से लड़का गायब हो गया। अच्छा, ये जो घटना हुई है इस पे आपको किसी पे शक या संदेह, इसकी सूचना आपने पुलिस को दिया है? सूचना पुलिस के दिए हैं, मतलब पुलिस मतलब कार्रवाई कर रही है। मतलब कहने का मतलब ये हमारा है कि मतलब लड़का को जल्द से जल्द, मतलब प्रशासन के द्वारा वो लड़का जहाँ पर भी हो उसको जल्दी से जल्द ढूंढने का काम करे। किसी से कोई विवाद तो नहीं रहा परिवार? किसी से कोई विवाद नहीं रहा। घटना का कारण क्या हो सकता है? घटना का कारण यही हो सकता है कि मतलब अब जो लड़का गया था वहाँ पर, अब उसको मतलब क्या उसके अथु बीच में हुआ वो मतलब ये तो नहीं बता सकते हैं। अब लड़का गायब हुआ ये जानते हैं। अब तक क्या सूचना मिली है, क्या कार्रवाई हुई है? सूचना यही मिली है कि मतलब अभी कोई कार्रवाई तो नहीं मिली है। आप जनता से क्या निवेदन करना चाहते हैं? जनता से ही निवेदन करना चाहते हैं कि लड़का जहां पर भी हो उसको मतलब अगर आपको नज़र में दिखाई दे तो लड़का को जल्द से जल्द सुनवाई, मतलब जल्द से जल्द उसको मतलब सूचित करें। क्या नाम है आपका? पाना। गाँव का क्या नाम है? मोर्चा मुजफ्फरपुर। थाना का कहाँ? कंधरापुर। क्या घटना हुई है आपके घर पर? लड़का हमारे खा पी के जैसे स्कूल गया 8 बजे घर से निकला, फिर वहाँ मोर्चा और वहाँ का। क्या नाम था आपके लड़के का? निखिल यादव। कितने वर्ष का लड़का है आपका? 15 साल का। किस कक्षा में पढ़ता था, किस स्कूल में पढ़ता? 9वीं। कौन से स्कूल में? स्कूल कौन नाम? नियर स्कूल इंटर। कहाँ पे है स्कूल? किशनदासपुर में। फिर क्या हुआ? वहाँ लड़का पहुँचल, दो ठे कापी खरीद ला, साइकिल से उतरल है, दो ठे कापी खरीद के हाथे में दोनों ले ले बा, वहीं से लड़का का पता ना चला थी। जिसकी सूचना आप लोगों ने थाने पे दिया? जी सर। क्या कार्रवाई हुई है अब तक, कुछ पता चल रहा है? अभी तो कुछ ना सुनाई है। क्या कहना चाहेंगी लोगों से कि भाई बहन से हमारा लड़का मिल जाए? हम हाथ जोड़ के विनती करत हैं कि हमारा लड़का हमके वापस मिल जाए। किसी पे शक या संदेह, किसी से विवाद तो नहीं रहा? नहीं। आपसे कोई विवाद हो, किसी पे शक हो कि कोई किडनैप करवाया हो, इस तरह की कोई घटना? नहीं, हमारे तो केव पर शक ना है। आखिर ऐसा कैसे हो गया अचानक से कुछ? अब वहाँ गया, पता नहीं कौन उठाया, हम नहीं मालूम। क्या लड़का
जिस दिन गायब हुआ उससे पहले कुछ आप लोगों से बताया था किस तरह नहीं से? नहीं सर, खाली खाना पीना खाए कि मोबाइल लेने और निकलना घर से झोला लेके और कुछ ना कर ले। तो क्या चाहती हैं आप? हम चाहते हैं कि हमारा लड़का वापस मिल जाए। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता, सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहेंगे इजाजत, नमस्कार।